वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एसके सैनी, मेरा चैनल केमी टेक जेएनवी में आपके सामने आया हूँ क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का चौथा वीडियो लेके बच्चों। प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले हमने जो तीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फर्स्ट थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स, सेकेंड थी हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड हमने पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, और चौथी है बच्चों हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हम आराम से समझेंगे क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें थोड़ा सा केओस है, समझने में थोड़ा सा गड़बड़ होती है, कहाँ क्या है, कहाँ कैसे होगा, डिप्रेशन कैसे हुआ सर ये, तो हम आराम से समझेंगे इसे डिप्रेशन होता क्या है। तो पहले प्रॉपर्टी का नाम पूरा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तोड़ दो, डिप्रेशन अलग कर दो, फ्रीजिंग पॉइंट अलग कर दो। डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज होना, किस में डिक्रीज हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में। किसके फ्रीजिंग पॉइंट में, आपके एक मेरे, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में। किसके कंपैरिजन के, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। जैसे मैंने कोई फिक्स्ड वॉल्यूम वाटर का ले लिया, प्योर वाटर का, और हमें मालूम है कि प्योर वाटर का सी लेवल पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इस वाटर में मैंने 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया, जैसे एग्जांपल ले लिया कॉमन सॉल्ट NaCl, 58.5 ग्राम NaCl मिक्स कर दिया। ध्यान रखना बच्चों, इधर सॉल्वेंट है, इधर अब सॉल्यूशंस आ गया हमारे पास। अब सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था 0 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, इससे कम होगा। यानी ये जो सॉल्यूशन है ये 0.5 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री या 1.86 कितने फिर भी फ्रीज हो सकता है, लेकिन इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 से कम होगा, यानी नेगेटिव में होगा। मान लेता हूँ कि -1.86 डिग्री सेल्सियस पर ये सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है। ये कितने पर हुआ था, 0 पर। प्योर सॉल्वेंट कितने पर हो रहा था, 0 पर। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस से मुझे मतलब है इसका 0 डिग्री है, इसका -1.86 है, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 1.86। तो 1.86 डिग्री सेल्सियस क्या है, डिप्रेशन है। किस में है, इस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में है। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इस तरह, ये हुआ क्यों, क्या हुआ, क्या रीज़न है। तो बच्चों एक इससे पहले एक और कॉमन कंसेप्ट, हम दो चीज़ें पढ़ेंगे अभी। पहले फर्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और सेकंड क्या सभी लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट, चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे वो सॉल्यूशंस के हो, सेम होते हैं क्या। तो पहली चीज़, सभी लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट सेम नहीं होते, हो सकता है कोइंसिडेंस हो कि नहीं, 2 या 3 के सेम हो जाएं, लेकिन जनरली सबके अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता था, पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शंस पे। यदि किसी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है तो जो ही आप टेम्परेचर कम करोगे अट्रैक्शन और बढ़ेगा, और वो जल्दी से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री है। लेकिन जिस लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। आपको ज़्यादा टेम्परेचर कम करोगे तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे और उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और कम करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन पर। अब अगली चीज़, कितने डिग्री पर कोई चीज़ फ्रीज होती है, तो उसकी हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं बच्चों। तो हमारे पास पहले क्या आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फर्स्ट आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, FREZING, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ए टेम्परेचर, ढंग से समझना, एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, अब सर यहाँ ध्यान रखना लिक्विड लिखा है, इसका मतलब सॉल्वेंट भी हो सकता है और सॉल्यूशन भी हो सकता है।
फ्रीजिंग पॉइंट तो सबका होता है, लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। क्या है सर ये, क्या लिख दिया आपने, चार पांच लाइनें लिख दी, कहीं कहीं गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। तो अब इसको हम समझते हैं, आराम से समझते हैं, और जब हम ये समझेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ये दो कंटेनर है बच्चों हमारे पास, एक में हमारे पास क्या है, वाटर है, कौन सी फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड में है। दूसरे में हमारे पास क्या है, इसी वाटर का सॉलिड फॉर्म है, यानी हमारे पास आइस है। ये दोनों कंटेनर कवर्ड हैं। मान लेते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर है ये, इसका नहीं है, इस प्योर वाटर का है जो लिक्विड स्टेट में है। मान लेता हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो वाटर की वेपर है इसके ऊपर जो यहाँ प्रेशर लगा रही है वो प्रेशर 0.3 atm है। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर इस H2O लिक्विड का वेपर प्रेशर है। अब डेफिनेशंस क्या कहती है, ए टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी इसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। ये बच्चों रहा इसी का सॉलिड स्टेट, यहाँ कौन है आइस है, और यहाँ कितना वेपर प्रेशर मान लेता हूँ मैं, भी यहाँ टेम्परेचर नहीं लिखूँगा बच्चों, यहाँ बहुत कम वेपर होगी, तो इसका वेपर प्रेशर मान लेता हूँ 0.9 atm या 0.1 मान लेते हैं। समझने के डाटा है बच्चों, ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो यहाँ इस आइस का वेपर प्रेशर 1 atm है, तो अब और जबकि इसी के लिक्विड का वेपर प्रेशर 0.3 atm है। और डेफिनेशंस क्या कहती है कि इस 0.3 atm को यदि आप कम करके 0.1 atm के इक्वल कर दें तो ये लिक्विड आइस में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्या है, बिकम इक्वल टू इस सॉल्यूशन, इस लिक्विड का वेपर्स बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट, इसी की सॉलिड स्टेट के इक्वल करो तो वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो मुझे क्या काम करना है, इस प्योर वाटर के वेपर प्रेशर्स को इतना करना है और ये जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था एलिवेशन में, किसी का भी वेपर प्रेशर बढ़ाना हो तो वेपर बढ़ाओ, वेपर बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, कम करना हो तो उल्टा कर दो, उसको कूल करो। जब उसकी कूलिंग करोगे तो होगा क्या, जब उसे आप ठंडा करोगे तो यहाँ जो वेपर है ये कंडेंस होगी और कंडेंस होके ये लिक्विड में कन्वर्ट होके इसके साथ मिक्स हो जाएगी। तो जो जो यहाँ वेपर कम होती जाएगी वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। तब इसको वेपर प्रेशर को कम करने के लिए मान लो मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ बच्चों डाटा लिख रहा हूँ, कितना कर दिया 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, कुछ कूल किया 10 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, तो वेपर प्रेशर 0.3 का कितना मान लें, इनमें कोई रिलेशंस नहीं है प्रोपोर्शनल वाला, कितना करेंगे इतना कुछ कम होगा, तो 0.3 का कितना मान लूं बच्चों मैं 0.15 atm मान लूं, टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो मान लेता हूँ कितना हो गया इसका 0.12 atm। अभी भी बच्चों ये वेपर प्रेशर यहाँ जो है ये इससे ज़्यादा है, यहाँ 0.10 था लेकिन यहाँ 0.12 atm है, तो अभी भी ज़्यादा है तो ये फ्रिज नहीं होगा। अब मैंने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस किया, जो ही इस लिक्विड का इस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस किया, इस लिक्विड के ऊपर की वेपर का वेपर प्रेशर 0.1 atm हो गया। और यही तो कंडीशन थी कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पे ये हो जाएगा उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड फ्रिज हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशंस क्या है। अब यदि मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की,
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, टेम्परेचर कम करो और कम करो, लिक्विड में चेंज होगी। अब यदि उस लिक्विड को मैं सॉलिड में चेंज करना चाहूँ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से भी कम होगा, नेगेटिव में जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा। रीज़न क्या है? CO2 के पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो वाटर के कंपेरिजन में बहुत कम है। तो जहाँ अट्रैक्शन कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होगा, और जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो चलो बच्चों, अभी तो हमने क्या समझी? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ ली। अब मैं आगे कहाँ चल रहा हूँ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन कब होगा? जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे। क्यों कम होगा वो अब समझते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे चलें। टॉपिक है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों हमने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशंस तो पढ़ ली, लेकिन डिप्रेशन कब होगा? कंडीशन सुने, सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट में क्या मिला जाए? NVS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा वो कम होगा। तो कंडीशंस क्या है, किन में डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कौन होने चाहिए हमारे पास? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। अब इनमें डिप्रेशन क्यों हुआ तो पहले हम वो समझते हैं। तो बच्चों यहाँ मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ कंटेनर बना रहा हूँ ना। तो फर्स्ट कंटेनर में मैंने क्या लिया है? वही हमारा प्योर सॉल्वेंट। कौन सी ये लिड लगा हुआ है, कौन सी फिजिकल स्टेट में है? H2O लिक्विड में है। सेकंड में हमने क्या लिया? H2O ही है, बस सॉलिड स्टेट में है। थर्ड में क्या लिया बच्चों? अब बच्चों ध्यान रखना, ये थोड़ा सा केओस प्रोड्यूस करेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लेके आएगा। ये सॉल्यूशन है, इसमें क्या मिला रखा है बच्चों? हमने 1 मोल NaCl, और ये कौन सी फिजिकल स्टेट में है? लिक्विड में है। याद रखना, लिक्विड में है ये, यानी ये सॉल्यूशन है। चौथा कंटेनर में हमने क्या लिया बच्चों? ये सॉल्यूशन ही है और ये सॉलिड स्टेट में है, ये इसी का सॉलिड है। ये तो बच्चों हमारे पास क्या हो गए? 4 कंटेनर हो गए। अब बच्चों इनके नीचे में इनका हाइपोथेटिकल वेपर प्रेशर्स लिख रहा हूँ ना। तो ये 25, ये जो लिक्विड है इन दोनों का 25 डिग्री सेल्सियस पे लिख रहा हूँ बच्चों। ये हाइपोथेटिकल है बच्चों, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो फर्स्ट आते हैं लिक्विड पर। टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। इसका वेपर प्रेशर 0.3 atm मान रहा हूँ लिक्विड का। ये सॉल्यूशन है, तो बताओ इस सॉल्यूशन का, ये दोनों लिक्विड में है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? 0.3 atm से ज़्यादा या 0.3 atm से कम? बताओ, सिंपल सा है। हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, इसमें NVS मिला हो उस, वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। यदि इसका वेपर प्रेशर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.3 atm लिया है, तो इसका वेपर प्रेशर इसी टेम्परेचर पर 0.25 atm ले लूँ। समझ में आ गया? ये चीज़ नहीं आई है, पुराना वीडियो जाके चेक करें। अब बच्चों आते हैं वापस यहाँ पर। अब ये तो सॉल्वेंट है, और हमने मान लेते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है सॉलिड का वो 0.1 atm है। ये सॉलिड है, इसी का सॉलिड है ये, तो इसका कितना होगा? 0.18। अब सॉलिड को मैं सॉलिड से कंपेयर कर रहा हूँ, इसको इससे कंपेयर किया तो इस सॉलिड को इस सॉलिड से कंपेयर करूँगा। इसका 0.1 atm है, तो बताओ सॉलिड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? 0.1 m से ज़्यादा या 0.1 m से कम? 0.1 atm से कम होगा। कितना मान लें? 0.05 atm। ये कौन सी कंडीशंस पर है? ये कौन सी कंडीशंस पर है? ये इसके फ्रीजिंग पॉइंट पर है। कितना है वो हमें नहीं मालूम। ये किस पर है? ये इसके फ्रीजिंग पॉइंट पर है। वो कितना है वो तो हमें मालूम है, वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। अब यहीं से आप समझ लो, तो हमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा बच्चों, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट लगा हुआ है, तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता, सिंपल सा आपको समझा देता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि किसी
सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 0.1 एटीएम है, तो उसी टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन है, जो सॉलिड है, उसका वेपर प्रेशर 0.1 एटीएम से कम होगा। कितना मानू? 0.08 एटीएम। सर ये दोनों कंफ्यूजन कर रहे हैं। सर ये तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट पर है, ये तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट पर है, और ये इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर है। क्यों है? क्योंकि यदि यहां मैंने ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट पर लिया था, बच्चों में ध्यान रखना, ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उस कंडीशंस पर 0.05 है, और ये 0.1 कंडीशंस कब पर है? 0.1 एटीएम इसके फ्रीजिंग पॉइंट पर है। फिर सिंपल सा कंसेप्ट लगा देते हैं, ये 0.1 एटीएम है 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर सॉलिड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे कम होगा। कितना होगा? इससे कम 0.08 एटीएम होगा। तो बच्चों मैं अब यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, अब इन सबको भूल जाता हूँ। दो कंडीशंस आ गई, 0 डिग्री सेल्सियस पर इस सॉलिड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.08 है एटीएम, और हमें कितना करना है? 0.05 करना है। इसका मतलब अभी ये ज़्यादा है तो हमें कम करना है, तो 0 डिग्री पर इतना है तो हम इतना करना है, तो हमें टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लेके जाना पड़ेगा, यानी इसकी वेपर को और कम करना पड़ेगा ताकि इसका वेपर प्रेशर 0.08 से कम होके 0.05 हो जाए, और 0.08 से 0.05 करने पर यदि हम टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर 0 से -0.5 या -1 या -2 किसी भी डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है? सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट के मोल्स 1 है, 2 है, 3 है या 0.5 है। तो जितने ज़्यादा सॉल्यूट के मोल्स होंगे ये डिप्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, अब ये सारा समझ लिया सर, अभी भी केओस है, तो सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर्स को ज़्यादा डिक्रीज करने पर वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। किसके कंपैरिजन में? उसके प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड के वेपर प्रेशर्स के कंपैरिजन में। इसके सॉलिड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर्स को ज़्यादा डिक्रीज करेंगे तब ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है। मोटा मोटी वापस आपको समझाता हूँ, मैंने पहले कहा था कि केओस करता है, तो यहाँ सिंपल समझाता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर 0.1 एटीएम है, इसका 0.08 है। इसका कम क्यों है? क्योंकि ये सॉल्यूशन है। 0 पर इसका इतना, 0 पर इसका इतना, लेकिन इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर है वो ये होना चाहिए, तो हमें 0.08 से कम करने के लिए इसके टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से और कम करेंगे, तभी इसका वेपर प्रेशर इससे हटकर इतना हो जाएगा और ये फ्रीज हो जाएगा। और वो मान लूँ मैं कंडीशंस कौन सी है, 0.5 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूँ, तो हुआ क्या, इसका फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 था, इसका -0.5 हुआ, तो डिप्रेशन कितना हुआ? डिप्रेशन का क्या सिंबल है? ∆Tf है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, डिप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब हम क्या काम करें, ज़्यादा में से कम को घटा दो, तो ज़्यादा कौन है यहाँ पर? 0 डिग्री सेल्सियस है। कम कौन है? -0.5 है। तो अब आंसर्स क्या आएगा? माइनस से माइनस प्लस हो गया, 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आया है? ∆Tf। सर कैसे निकाला? 0 किसका है? प्योर का है, तो यहाँ लिखेंगे ∆Tf0 माइनस, ये सॉल्यूशन का है, तो ∆Tf0 किसके लगाएंगे? जहाँ प्योर है। नोट किसके नहीं लगाएंगे? जहाँ सॉल्यूशन है। तो ये बच्चों हमारे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला आ गया बच्चों। ये पहला फॉर्मूला है, और हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका दूसरा फॉर्मूला। तो ∆Tf क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, और ये वो टेम्परेचर का डिफरेंस है जो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आया है। चलिए बच्चों अब हम आगे समझते हैं, ये चेंज आया ही क्यों, या ये तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं इसका ग्राफिकल मेथड बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, इसका ग्राफिकल मेथड समझते हैं बच्चों।
क्या है हमारे पास ग्राफिकल मेथड में, बिल्कुल मिलता जुलता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। दो छोटे छोटे से चेंजेस करने हैं, पहला चेंजेस के बी की जगह के एफ, दूसरा डेल टी बी की जगह डेल टी एफ। तो दो चेंजेस करने हैं। पहले हम इसका कर्व समझते हैं बच्चों। कर्व में क्या है, ये हमारे पास आ गई वाई एक्सिस, ये आ गई एक्स एक्सिस। इस वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम बच्चों, वेपर प्रेशर। किसका, लिक्विड का। कौन से लिक्विड का, सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है। और हम हमारे दूसरे एक्सिस पर क्या लेने वाले हैं बच्चों, जो हमारी दूसरी एक्सिस है उस पर हम लेने वाले हैं टेम्परेचर। तो यहाँ बच्चों क्या आएगा, टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर आ गया, किस में लें, किसी में भी ले लें, डिग्री सेल्सियस में ले लें या केल्विन में ले लें। अब यहाँ बच्चों ये दो लाइन किसकी है सर, अरे यही वही तो लाइनें हैं जो हमने एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ी थी। एक लाइन को ए कह देता हूँ, एक लाइन को बी कह देता हूँ, एक लाइन सॉल्वेंट की है, एक लाइन सॉल्यूशन की है। किसकी लाइन कौन सी है, सिंपल सा है, जिसका किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो सॉल्यूशन, वो सॉल्वेंट की है, और जिसका वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पर कम है वो सॉल्यूशन है। तो यदि मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी टेम्परेचर यहाँ ले लें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टेम्परेचर ये पॉइंट है बच्चों। यहाँ 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें या जितना भी कर दें, ये तो सिंपल से पॉइंट है। और ए और बी में यदि मैं पॉइंट नंबर 5 पे चेक करूं, तो यहाँ इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट की लाइन है, तो ये लाइन सॉल्यूशन की हो गई। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, इनके वेपर प्रेशर्स को कम करने वाला हूँ। और कम करना हो तो क्या करूँ, टेम्परेचर को कम करूँगा। जब टेम्परेचर कम करूँगा तो इनकी वेपर प्रेशर भी कम होगा। ये तो हो गया इन दोनों की सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस के लिक्विड फेज में इनके ये कर्व हो गए। अब आते हैं बच्चों, यदि हमारे पास सॉल्वेंट होता और वो भी सॉलिड स्टेट में होता। सर आप इसको कंपेयर सॉल्वेंट से क्यों कर रहे हो, क्योंकि चाहे सॉल्यूशन हो चाहे सॉल्वेंट हो, फ्रिज तो सॉल्वेंट ही हो रहा है, जो लिक्विड में है वही फ्रिज हो रहा है। और हमारे पास यहाँ क्या है, एनवीएस वॉलेट जो है, सॉल्यूट जो है वो एनवीएस है। तो इसका मतलब फ्रिज केवल कौन होगा अंदर, सॉल्वेंट होगा। तो ये जो लाइन है ये मान लेता हूँ ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर्स की लाइन है, इसको ऐसे मान लेता हूँ बच्चों। तो ये लाइन किसकी है, यही बेसिक है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। ये सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर्स की है। अब बच्चों ये लाइनें, ये सॉल्वेंट की लाइन धीरे धीरे इधर आएगी और आके इस पे टच होगी, जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, उसी कंडीशंस पर उन दोनों लाइनों का वेपर प्रेशर एक जैसा हो जाएगा। तो यदि मैं इसको पीछे टेम्परेचर्स कम करता जाऊँ, वेपर भी कम होती जाएगी, वेपर प्रेशर्स भी कम होता जाएगा। ये लाइन पीछे आई 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 और यहाँ आके ये इसके टच हो गई। इस पॉइंट को मैं क्या कह दूँ बच्चों, सी। और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ कितना है, ये इस पॉइंट को, ये क्या है बच्चों, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर H2O यानी सॉल्वेंट इक्वल्स टू वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉलिड स्टेट। कौन, किसकी, सॉल्वेंट की। ये दोनों इक्वल हो गए तो ये टेम्परेचर क्या है, इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसे टी एफ नोट कहूँगा। नोट कहाँ लगाएंगे, जहाँ प्योर की बात होती है। अब इसी तरह से इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा यदि मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूँ। इस लाइन को ऐसे मान लेता हूँ बच्चों, ये पीछे आई लाइन ऐसी इसी तरह से पीछे आती जाएगी, आई 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 और यहाँ जाके इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ, यहाँ जाके ये इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर्स के इक्वल हो गया। तो यहाँ जाके ये क्या होगा, ये फ्रिज होगा, ये इस यहाँ पर आ रहा है, इसे मान लेता हूँ टी एफ। और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, बोलो बच्चों,
ये है डी टेल एफ। कौन ज़्यादा है टी एफ नोट, कौन कम है टी एफ, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो, तो टी एफ नोट माइनस टी एफ, ये क्या आ गया, ये जो चेंज आया है इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हल्का सा हमने डायग्राम समझ लिया इसका, यदि आप एग्ज़ाम में आता है इस डायग्राम को बना के आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले बच्चों, आपको 50% मार्क्स मिल जाते हैं इस डायग्राम के बनाने के। यदि टॉप क्वेश्चंस क्या आता है, एक्सप्लेन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये आ जाता है बच्चों, डायग्राम बनाओ आधे नंबर आ जाते हैं आपके। अब बच्चों ये एक मैथमेटिकल रिलेशन जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ लेते हैं, सेम रिलेशंस है, क्योंकि एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और दोनों मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो ये बच्चों ये हो गई। अब इनमें से मैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाकर एक कांस्टेंट लगा देता हूँ के एफ और मल्टीप्लाई बाय एम। के एफ क्या है, मोलल, मोलल हाँ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। एक तो ये नाम था, वहां के बी था उसका नाम था मोलल एलिवेशन पॉइंट मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, तो यहां क्या है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसका एक और नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। दूसरा, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। यदि आप सॉल्वेंट चेंज कर दोगे तो के एफ की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे दो एग्जांपल है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू है 1.86 और इथेनॉल के लिए इसकी वैल्यू है 1.99 यूनिट। इसके बाद में आपको पर थर्ड पॉइंट हमारा यही आ रहा है, यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये बच्चों इसकी यूनिट है। अब आती है मेन चीज़, पहले हम समझेंगे उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस पे आएंगे। किसकी डेफिनेशंस, के एफ की। तो पहले हम समझते हैं क्या है। तो बच्चों मैंने चार कंटेनर लिए, दो ले लेता हूँ, दो बहुत है। इन दोनों में 1 kg क्या है, वाटर है, 1 kg वाटर है। पहले कंडीशन में मैंने 1 mole यूरिया ले ली और सेकंड में मैंने 1 mole शुगर डिजोल्व कर दी। इसमें भी 1 kg वाटर था, इसमें भी 1 kg वाटर है। तो बताओ पहले कंटेनर की मोलेलिटी कितनी हुई, 1 m। सेकंड कंटेनर की भी 1 m। बताओ इस कंटेनर में डेल टी एफ कितना होगा और इस कंटेनर में कितना होगा। तो इन दोनों कंटेनर में मुझे निकालना है तो मैं सीधा क्या काम करूं, इस फॉर्मूले को लगा दूं, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई बाय एम। इसके लिए एम की वैल्यू 1, तो इसमें डेल टी एफ जो है, जो डेल टी एफ है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, के एफ के इक्वल हो गई। सेकेंड कंटेनर में भी सॉल्वेंट ही है, वाटर, तो यहाँ पर भी m की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर भी जो एलिवेशन होगा, डेल टी एफ डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, उसकी वैल्यू के एफ के इक्वल हुई। तो दोनों के लिए क्या कंसेप्ट बना, कोई भी सॉल्यूशन ले लें, बस NVS जो है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होना चाहिए। और यदि उस सॉल्यूशन की मोलेलिटी 1 है तो उस कंडीशन में उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही क्या है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है। तो फ्रीजिंग, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशंस क्या है, फर्स्ट लाइन काम की लाइन 4, 1 mole सॉल्यूशन, ये लिखना जरूरी है। सेकंड, ये बच्चों ये पॉइंट है, इन सबको हमें जोड़ के लिखना आता है। सबसे बढ़िया है जब आप एग्ज़ाम में इस तरह से पॉइंट पे लिख के आते हैं, फुल में से फुल मार्क्स आते हैं बच्चों। फॉर 1 mole सॉल्यूशन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो नोन एज ए
मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ध्यान क्या रखना है बच्चों, मेन लाइन कौन सी आनी चाहिए, वन मोलल की आनी चाहिए, ये लाइन आनी चाहिए। यदि इसकी जगह वन मोलल की जगह वन मोलर हो गया, आर आते ही नंबर गायब हो जाएंगे बच्चों। तो ये बच्चों इसका ग्राफ हो गया और ये इसका सिंपल सा मैथमेटिकल रिलेशंस हो गया बच्चे। अब हम बच्चों हम अगले में इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख देते हैं और किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं वो समझते हैं और इसकी एक दो एप्लीकेशन समझ लेते हैं बच्चों। चलिए अगले वाले में चलते हैं, हम अगले टॉपिक में इसी के बच्चों। अब हमारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, हम उस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं। तो क्या होगा, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलेलिटी, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सबको मालूम होना चाहिए डब्ल्यू ए क्या है, एम ए क्या है, एम ए तो है ही नहीं इधर, एम बी क्या है, डब्ल्यू बी क्या है। तो एम ए डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, किस में है, ग्राम में है। एम बी क्या है, एम बी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। थर्ड क्या हमारे पास है, डब्ल्यू बी, तो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट किस में है, ग्राम में है। के एफ मालूम है आपको, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है और 1000 तो 1000 ही है। अब इन सारी वैल्यू को पुट अप कर दें तो हम क्या निकाल लेंगे, डेल टी एफ निकाल लेंगे। बोर्ड में क्या पूछा जाता है, बोर्ड में या तो ये पूछा जाता है, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मैक्सिमम एग्जांपल में या तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का वो पूछता है आपसे या क्या पूछेगा वो आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। इन दोनों को लेके बच्चों ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार के एफ का भी वो आपसे मेजरमेंट करने के लिए कह देता है बच्चों। ये डेल टी एफ की वैल्यू याद रखना, ये डेल टी एफ की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो उसे कहते हैं बच्चों कैलकुलेटिव, और यदि किसी इंस्ट्रूमेंट से निकाली गई है तो उसे कहते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दो तरह की वैल्यू आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल या कैलकुलेटिव। तो चलो बच्चों हम अब आगे इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसकी कुछ एप्लीकेशन है बच्चों। इसकी एक दो बहुत धांसू एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या क्या है, फर्स्ट बच्चों एप्लीकेशन है कि जो आइसक्रीम वाला होता है, जो कुल्फी जमाता है, कौन सी कुल्फी, दूध वाली जिसमें कोन शेप का एक कंटेनर होता है, उसमें वो मिल्क डालता है, फिर एक बड़े कंटेनर में एक उसके अंदर डाल देता है, ताकि मटका कुल्फी भी हम लोग इसे कह लें, मटका कुल्फी या मिल्क वाली कुल्फी, उसके अंदर जो मटका कुल्फी वाला होता है वो बर्फ़ डालता है, बर्फ़ के साथ नमक डालता है। अब क्वेश्चन आया नमक क्यों डाला, तो नमक क्यों डाला, ताकि वो चाहता है कि उस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाए। कि नमक नहीं डालेगा तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर 0 डिग्री पर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका टेम्परेचर और नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो सॉलिड में चेंज हो गया बच्चों। अब वो चाहता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में जाए, तो वो क्या करता है, उसमें नमक डाल देगा। नमक डालते ही, नमक क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नमक डालते ही अब उस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाएगा। जो 0 डिग्री पे से फ्रीज हो रहा था अब वो 1 या 2 पे जाके फ्रीज होगा, और 1 और 2 पे जाके फ्रीज होगा तो क्या होगा, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो अंदर जो भी चीज़ें डली हुई है उनको लो टेम्परेचर मिल पाएगा। दूसरा एग्जांपल है जहाँ स्नो बहुत गिरती है, जहाँ स्नोफॉल बहुत होता है, वहाँ रोड से जो सड़कें होती है उनसे आपको यदि आइस को हटाना हो तो वहाँ नमक डाल दो। नमक डालते ही क्या काम होगा, वो नमक उस स्नो का या उस बर्फ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम कर देगा। कम कितना कर दिया, नमक डालते ही मान लो -1 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो मेल्ट कैसे होगी, बाहर का टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है और उस आइस का फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो उस आइस का तो जो बाहर का टेम्परेचर है उसके फ्रीजिंग पॉइंट के कंपेरिजन में ज़्यादा है और उस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाती है बच्चों। और तीसरा एग्जाम्पल है जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है,
वहाँ जो रेडिएटर्स होते हैं गाड़ियों के, उनमें एंटी फ्रिज सॉल्यूशंस एड करते हैं। वो क्या काम करता है, उस वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत कम कर देता है, ताकि वाटर नेगेटिव 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री पे जाके फ्रिज नहीं होगा। फ्रिज हो गया तो क्या होगा, जहाँ जहाँ उस रेडिएटर के थ्रू वाटर उस गाड़ी के इंजन में गया है, वहाँ जो ही वो वाटर आइस में चेंज होगा, उसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा और वो हो सकता है उस इंजन को नुकसान पहुंचा दे। बच्चों, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। लेकिन थोड़ा सा एक और ध्यान रखना, इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सा एलिवेशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वीडियो एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। और एंड में जाते जाते भूल नहीं जाएं, दो चीज़ें करनी है आप, तो एक तो लाइक वाले बटन को प्रेस कर दें और एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। धन्यवाद बच्चों।